साथियों नमस्कार। ईपीएस 95 पेंस ने उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष बिड़ला को दिया ज्ञापन। जी हाँ फ्रेंड्स, राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत, प्रदेश अध्यक्ष रणजीत सिंह दासुंदी, एवं कोटा चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा प्रतापगढ़ के संयुक्त अध्यक्ष नरेंद्र सिंह सक्तावत के नेतृत्व में शहर अध्यक्ष राजेंद्र जैन, प्रतापगढ़ अध्यक्ष सुरेश पाटीदार ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को 4 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन दिया। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें बताया कि देश के 67 लाख ईपीएस 95 पेंशनर्स ने 470 रुपये, 541 रुपये, 1250 रुपये प्रतिवर्ष 30 से 35 वर्ष के सेवाकाल में पेंशन फंड में जमा करवाई, लेकिन जिसका आज का कुल मूल्य 15 से 20 लाख है। जबकि सामाजिक सुरक्षा के लिए केवल 500 से 3000 रुपये पेंशन मिल रही है, जबकि करीब 550 करोड़ रुपये पेंशन फंड में जमा है। जब फ्रेंड्स 1996 कर्मचारी भविष्य निधि संग्रह ने कहा गया था कि ईपीएस 95 पेंशन सरकारी पेंशन से 10% या अधिक लाभदायक होगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने हर 3 साल या उससे पहले मूल्य सूचकांक के साथ पेंशन का मूल्यांकन करने का वादा किया था कि कर्मचारियों की पूंजी उनकी मृत्यु के बाद उनके नॉमिनी को वापस कर दी जाएगी। जी हाँ फ्रेंड्स, वर्ष 2008 में 1 तरफा रुपये से पूंजी का प्रतिलाभ वापस ले लिया गया था और 2014 में उन्होंने पेंशन की गणना के आधार पर 12 महीने औसत वेतन को 60 महीने के औसत वेतन में बदल दिया, जिसमें पेंशन राशि कम हो गई। वर्ष 2013 में भगत सिंह कोश्यारी समिति की रिपोर्ट के अनुसार 3000 या उससे अधिक व महंगाई भत्ते को जोड़ने की सिफारिश की गई थी, लेकिन पदाधिकारियों गिरिराज वर्मा, सत्यनारायण सेन, अशोक जैन, सुधीर मेहता, व्रजेश मोदानी, मांगीलाल के मास, केसरी लाल मोहन लाली शामिल।